भोला बाला रूप तेरा यो सीता खाना बाना था, चोर कार से के भगता धोरे तेरा आना जाना था। ओम तत्सत। सभी को सादर नमस्ते जी। जगतगुरु स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज महायोगी महातपस्वी और भारतवर्ष के हरियाणा प्रांत में कैथल जिले में स्थित ग्राम चुहुड़ माजरा में जन्मे माता श्री रामी देवी जी और पिता श्री चौधरी बादामा राम जी और दादा चौधरी शेरू राम जी, उनके परिवार के अंदर एक साधारण से जमींदार परिवार के घर में जन्म लेकर के अपने माता पिता का नाम रोशन किया। तो आज जगतगुरु स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज का जो सैद्धांतिक ज्ञान है, तो इस चैनल के माध्यम से मेरा पहले ये प्रयास था कि मैं इस सैद्धांतिक ज्ञान को लोगों तक पहुंचाऊं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जिन्होंने इतना सहयोग किया मेरा इस कार्य को लेकर के, इस चैनल को आगे बढ़ाया, तो वो आप सभी का प्यार है। तो आज जो भक्त है, जो मेरे भाई हैं, युवा साथी हैं, मेरे पिता समान बुजुर्ग हैं, वो कुछ प्रश्न करते थे कि गुरुजी का जो शिक्षाएं हैं, मुख्य शिक्षाएं हैं, तो वो कहाँ पर हैं मुख्य शिक्षाएं, कि हम उसे पढ़ें और गुरुजी की सभी शिक्षाओं को हम ग्रहण कर लें। तो आज उसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं पहली ये फेस वीडियो अपने घर पे बैठ के बना रहा हूँ। तो अगर मेरे से कुछ गलत शब्द निकल जाए, क्योंकि मैं इतना बड़ा माइक पे ग्राउंड लेवल पर तो बहुत बोला हूँ माइकों में, लेकिन कभी कैमरे के सामने नहीं बोला, तो इसीलिए अगर कोई गलती हो जाए तो अपना भाई समझकर, अपना बेटा समझकर मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो अभी आपको चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताता हूँ कि जगतगुरु स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज की मुख्य शिक्षाएं, कि स्वामी जी के सिद्धांत क्या थे, स्वामी जी चाहते क्या थे, स्वामी जी का उद्देश्य क्या था, स्वामी जी का लक्ष्य क्या था, स्वामी जी किस समाज की कल्पना करते थे, किस समाज को देखना चाहते थे, कैसा समाज उनकी दृष्टि में था, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज मैं आपको देने जा रहा हूँ। और उस उत्तर को लेने के लिए, उसे सुनने के लिए, आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, लेकिन पहले वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। इसीलिए तो ये मेरे पास कुछ साहित्य है, गुरु ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज ने जो स्वयं लिखी है एक पुस्तक, एक नहीं लिखी, पांच लिखी है स्वयं, लेकिन जो मुख्य पुस्तक है, जो जिसके अंदर सभी सैद्धांतिक ज्ञान है उनका, तो वो है पुस्तक श्री सतगुरु ब्रह्मानंद पचासा। जगतगुरु स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज ने अपने जीवन काल के सभी अनुभवों को, उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया, जो उनके सिद्धांत थे, उन सभी सिद्धांतों को संक्षेप में, संक्षिप्त भाषा में, निचोड़, जिसको आप बोल सकते हैं निचोड़ सार रूप में, इस पुस्तक के अंदर डाला है। छोटी सी पुस्तक है और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये सामान्य बोलचाल की भाषा की पुस्तक है। जैसे वेद में एक मंत्र आता है, मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषो वेदः। इस मंत्र को यदि हम सामान्य व्यक्ति के सामने बोल दे तो कोई नहीं समझ पाएगा, गांव के लोग होते थे, देहात के लोग होते थे, लेकिन स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज ने इस पुस्तक के अंदर उन सभी वेदों के, शास्त्रों के, सभी का निचोड़ इसमें डाला है। और क्या लिखा है, माता पिता गुरु इन तीनों से विद्या शुरू, इन तीनों को जो फटकारे वो फिरते हैं मारे मारे, ब्रह्मानंद जी करे विचार इनके बिना ना नैया पार। तो इस प्रकार बिल्कुल सरल रूप से इस पुस्तक के अंदर स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज ने अपने सिद्धांतों को डाला है। अगर किसी भक्तजन को ये पुस्तक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर
दीजिए व्हाट्सएप का, मैं आपके पास ये भेजूँगा PDF रूप में। और उन विदेश में रहने वाले सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ उन सभी का जिन्होंने, मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाली तो सबसे ज़्यादा मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ कि विदेश में रहने वाले जो मेरे युवा साथी हैं, मेरे भाई हैं, उनके सबसे ज़्यादा मैसेज आए कि हमें PDF भेजो भाई, PDF भेजो। एक भाई बोल रहा था मैं यहाँ वहाँ पे प्रिंट निकलवाऊँगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई हो, आपने इतना सहयोग मुझे किया और आगे बढ़ने के लिए आप प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो निरंतर ये पुस्तक थोड़ा इस पे मैं आपको अभी पढ़ के नहीं सुना सकता, लेकिन जल्द ही इस पुस्तक के ऊपर मैं एक सीरीज़ बनाऊंगा, इसके एक एक अध्याय के ऊपर एक सीरीज़ बनाऊंगा। और जो विद्वान है, जैसे जिन्होंने गुरुजी को देखा है, कई महात्मा संत अभी भी बैठे हैं, शीला देवी जी है फतेहपुर पुंडरी वाली, महात्मा जगदीशानंद जी हैं, महात्मा कमलानंद जी है, और अन्य महात्मा कई हैं जिन्होंने स्वामी जी को देखा है, और कई बुजुर्ग भी है, चोर कारसा से दीवाना पिताजी है, और चतुर पिताजी तो नहीं रहे हमारे बीच, और भी बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने गुरुजी को देखा है और इसके सिद्धांतों को समझा सकते हैं। तो उन सभी से वार्तालाप करके वो भी सीरीज़ आपके सामने लेकर के आऊँगा जल्द ही। और इस पुस्तक के ऊपर, इस ग्रंथ के ऊपर, या ये बोलिए कि स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज के जीवन की अमूल्य अमूल्य कृति है ये, इसका कोई मूल्य नहीं है। बहुत भाग्यशाली हैं वो लोग जो पढ़ते हैं, और बहुत भाग्यशाली है वो लोग जिनके घरों में ये पुस्तक रखी है। तो इसके ऊपर सीरीज़ लेकर के आएंगे, आगे की वीडियो आपको प्राप्त होती रहें, हमारा हौसला आप लोगों से है, आगे भी निरंतर हम इसी प्रकार की वीडियो आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। ये पुस्तक स्वामी ब्रह्मानंद, सतगुरु ब्रह्मानंद पचासा, एक ये पुस्तक है पलट तेरा ध्यान किधर है, जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज के जीवन के जो प्रसंग हैं, जो उन्होंने बातें भंडारों में कही, तो महात्मा जगदीशानंद सरस्वती जी महाराज ने उनको लिखा था उसी समय में। अगर किसी को प्रमाण देखना हो तो वो भी मैं दिखा सकता हूँ, उस समय 1965 और 64 की लिखी हुई डायरियाँ अब तक रखी हुई है। तो एक ये पुस्तक पलट तेरा ध्यान किधर है, और एक महात्मा जगदीशानंद जी द्वारा लिखित जगत गुरु ब्रह्मानंद चरित, ये पुस्तक। तो ये तीनों पुस्तक अभी इस समय मेरे पास हैं, और बहुत जल्द इन पुस्तकों के ऊपर, इन सिद्धांतों के ऊपर, इन शिक्षाओं के ऊपर आपके समक्ष एक वीडियो लेकर के आऊँगा। तो मेरा आपसे निवेदन यही है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने जो भक्तजन, अन्य मित्र बंधु है, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, उन सब तक इस वीडियो को पहुँचाए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। जल्द ही अगली वीडियो भी डाली जाएगी, तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप व आपका परिवार, इस जो इस समय माहौल चल रहा है कोरोना महामारी का, कुछ षड्यंत्र है, राजनीति है, जो भी है नहीं पता, अस्पतालों का षड्यंत्र है क्या है, लेकिन जो भी है, अपने परिवार को, और मैं प्रार्थना करता हूँ परमपिता परमेश्वर से कि आपका परिवार सुरक्षित रहे, आप सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो, और निरंतर इसी प्रकार से हंसते खेलते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सभी को ओम तत्सत, जय श्री राम, नमस्ते जी।